शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये हैं सेठ हरिलाल भूत। नाम सुनकर चौंक गए ना आप, आइए समझाता हूँ। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम वायु देवता भय नमः स्वाहा, ओम गुरु देवता भय नमः स्वाहा। जिजमान अपना गोत्र बताइए। भूत। जिजमान अपने पिताजी का नाम बताइए। स्वर्गीय श्री दीनानाथ भूत। स्वर्गीय दीना। अब समझे आप, हरिलाल का गोत्र भूत है इसलिए इनका पूरा नाम हरिलाल भूत है। हरिलाल कबाड़ का एक मंझा हुआ व्यापारी है। सिक्का चलता है हरिलाल का इस कबाड़ के व्यापार में। इस धंधे में इसके मुकाबले का कोई और कबाड़ी नहीं है। हरिलाल साइकिल से लेकर मोटर गाड़ी तक के हर सामान की खरीद फरोख्त करता है। बेताज बादशाह है हरिलाल कबाड़ के इस धंधे का। करना कोई हरिलाल से सीखे। 100 रुपए की चीज 1 रुपए में कैसे खरीदी जाती है और 1 रुपए की चीज 100 रुपए में कैसे बेची जाती है, ये हरिलाल अच्छे से जानता है।
कबाड़ के इस धंधे से हरेलाल ने करोड़ों रुपया कमाया है, लेकिन कंजूसी हरेलाल के अंदर कोट कोट कर भरी है। हरेलाल जरा मॉडर्न जमाने का कंजूस है, न चमड़ी जाए न दमड़ी जाए। अरे ना देसी ना विदेशी, पानी रगड़ के काट दे, मैं सब जानू तुम्हारे चोचले जेब से पैसा निकालने के। और अब बात सुन मेरी, ये ले ब्लेड पकड़, इससे दाढ़ी बना दिए और धोखे ना मन्ने वापिस दे दियो, 4-5 दाढ़ी बने हैं एक शेव ब्लेड से। कमाल है सेठ जी, ब्लेड भी साथ लेके चलते हो। अरे सेठ जी, मैं भी दुकान खोल के बैठा हूँ, मने भी 2 रुपए कमाने हैं। 2 रुपए कमाने हैं, ठीक है ले पकड़ 2 रुपए, हो गई कमाई, अब तो खुश, चल दाढ़ी बना जल्दी। क्या सेठ जी, इतना पैसा कमाते हो, मरकर छाती पे लेकर जाओगे क्या? हाँ लेकर जाऊंगा छाती पर, और साथ में तन्ने भी लेकर जाऊंगा, ज्यादा बड़बड़ बतरा करे, चल जल्दी से दाढ़ी बना। कई सौ कंजूस मरे होंगे तो उनके बराबर अकेला हरिलाल पैदा हुआ है, पर अगर बात समाज सेवा की हो तो हरिलाल कभी पीछे नहीं हटता। हर महीने की 1 तारीख को हरिलाल जरूरतमंदों को मुफ्त राशन बांटता है। अपनी बिरादरी में भी हरिलाल की काफी धाक है। एक अहम स्तंभ माना जाता है हरिलाल को अपनी बिरादरी का, पूरी बिरादरी हरिलाल का सम्मान करती है, या फिर यूं कहें कि पूरी बिरादरी अपने आपसी मसले सुलझाने के लिए हरिलाल का ही दरवाजा खटखटाती है। माफी मांगो, आप पहले मेरे से मत मांगो, इनसे माफी मांगो, और आप इनसे माफी मांगो, और गले लगो दोनों, आगे से झगड़े की शिकायत ना आए, एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहना है तुम दोनों को, ठीक है? हाँ बस ठीक है, अब आगे से शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी। कई सौ मसले थाना कचहरी में पहुंचने से पहले ही हरिलाल की बैठक में निपटा दिए जाते हैं। हरिलाल माता रानी का अनन्य भक्त है। अपने दिन की शुरुआत हरिलाल माता रानी की पूजा से ही करता है। और ये है निकुंज, सेठ हरिलाल का 12 साल का बेटा। छोटे भूत, ओ मेरे छोटे भूत, अरे कहाँ चला गया रे मेरे जिगर का टुकड़ा। हरिलाल निकुंज को प्यार से छोटा भूत कहकर बुलाता है। छोटे भूत, ओ मेरे छोटे भूत। जान बसती है हरिलाल के निकुंज में। हरिलाल चाहता है कि उसका बेटा भी धंधे में उसी की तरह माहिर खिलाड़ी बने, इसलिए वो कभी कभी किसी न किसी बिजनेस डील में उसे साथ ले लेता है। निकुंज भी बड़ी शिद्दत से धंधे के दांव पेंच सीखता है। आज हरिलाल एक होटल खरीदने के लिए उत्तराखंड जा रहा है। सौदा मुनाफे का है, इसलिए निकुंज भी साथ है। और ये हूं मैं, दीवान, सेठ हरिलाल भूत का ड्राइवर। पिछले 10 साल से मैं सेठ हरिलाल भूत की गाड़ी चला रहा हूं, और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं, क्योंकि इस सफर में कुछ ऐसा हुआ
जिसकी कल्पना मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी। ये कहानी है सेठ हरिलाल की। मन्ना रेट तो थारे को बता दिया था, फिर भाया एक बात पर कितनी बात करनी, ऐसी चीज इस भाव में पूरे बाजार में नहीं मिलेगी। मारो रेट 2 लाख रुपयों का है, तन्ने लेना हो तो ले, नहीं तो भाया तेरी मर्जी। जय माता की। डैडी ना पटे सौदा? अरे पट जाएगा। कितने पैसे लगा रहा था? 1,98,000 रुपया दे रहा था। 2,000 के पीछे सौदा रुक गया तो बिठा देते सौदा। बेटा ये सौदा तो बिठा पड़ा है, धंधे में हौसला रखना पड़े है, सामने वाले की जरूरत को समझकर ही सौदा बिठाना पड़ता है, नहीं तो जल्दबाजी में मुनाफा घट जाएगा, समझो? जी डैडी। सीख ले धंधे का ये उसूल। और हाँ, तन्ने कितनी बार समझाया है कि मन्ने बाप बुलाया कर, ये के डैडी डैडी बुलावे है। बेटा तन्ने अंग्रेजी स्कूल में इसलिए भेजू ताकि तू दुनियादारी सीख सके, ना कि अपने संस्कार भूल जावे। अरे बेटा हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, अपने देश से प्रेम और अपनी माटी से प्रेम हमारे खून में है, खून में। हमें तरक्की करनी है मगर अपनी पहचान खोकर नहीं। आई बात समझ में? जी बापू। शाबाश। ओ दीवान, कितना रास्ता बचा है अभी? हुकुम 35-40 किलोमीटर दूर और है अभी। अच्छा, फिर तो घना ही सफर रह गया अभी। चल लगा दे दीवान कोई बढ़िया सा गाना, सफर कट जाएगा। हाँ काका, हनी सिंह लगा दो। के लगा दो? हनी सिंह। वो कोई राजस्थानी गायक है ना? अरे छोड़ हनी सिंह। ओ दीवान, अरे लगा दे वो महारा और मारी चांदनी का फेवरेट गाना, अरे जो मारी शादी में बाजा था। अरे गाना तो शुरू से लगा दे भाया, ताकि अपने को मजो तो पूरा आवे। जी हुकुम। मानूंगा तेरी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, चल झूठे हाँ प्रॉमिस करता हूँ गोरी, तुझे फॉरेन टूर कराऊंगा, तेरी जुल्फों को भी संभालूंगा।
दिल मेरा तोड़ के जाइयो ना, उधार न तेरे सब उठा लूंगा। मुझको छोड़ के जाइयो ना, मुझको छोड़ के जाइयो ना। बलमा छोड़ दूंगी रे, हाँ हाँ छोड़ दूंगी रे, तुझको छोड़ दूंगी रे। अरे ये क्या कहे, या तो हमारे जाना ही नहीं है, रो क्यों दीवान। आगे रोड बंद है, यहाँ से जाना होगा। पर भाई साहब हमें तो सीधे जाना है। यहाँ से नहीं जा सकते, आगे लैंडस्लाइड हुआ है, इधर से घूम के जाना होगा। चलिए। ओ भाई एक मिनट सुनियो, ये रास्ता तो हमें पता ही नहीं है। अरे भाई साहब आप तो खाम का टेंशन ले रहे हैं, ये रास्ता भी घूम कर आगे मेन रोड से मिल जाएगा। चलिए अब निकलिए। अरे भाई आप कुछ ले दे के बात खत्म कर, जाने दे, देर हो रही है। भाई साहब इस लेन देन के चक्कर में जान से जाएंगे, समझे। चलिए निकलिए, पीछे ट्रैफिक हो रहा है। चलो जाओ आगे बढ़ो, पीछे ट्रैफिक हो रहा है, चलो चलो। चलिए चलिए जल्दी निकलिए, जल्दी चलो। ओ दीवान कहाँ तक आ गए? हुकुम कुछ पता नहीं चल रहा, ये तो रास्ता भी एकदम सुनसान है और आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा मुड़वाया उस पुलिस वाले ने, चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं। ऐसा कर दीवान, किसी होटल पे गाड़ी लगा ले, आज की रात यही रुकते हैं, कल सुबह देखेंगे। जी हुकुम। होटल डिंग डोंग डिंग। आइए आइए सेठ जी, इस डिंग डोंग डिंग होटल का केयरटेकर का मालिक पिल्लू द ग्रेट आपका वेलकम करता है। आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? इस अस्तबल में कोई रहने लायक जगह है क्या? सेठ जी ये 5-स्टार होटल है, यहाँ इंसान रहते हैं, जानवर नहीं। हाँ तो इंसान के रहने लायक कोई कमरा वमरा है इसमें? तो कैटेगरी बोलो ना कौन सी चाहिए। हाँ तो दे दे कोई सस्ता सा कमरा। सस्ता तो मेरे पास 500 रुपए वाला है सेठ जी। तो 500 वाला चल जाएगा, हमें रात ही तो काटनी है। लेकिन एक बात मैं पहले बोल रहा हूँ, बाद में मुझे कुछ मत बोलना। इस कमरे में कभी पानी आता है कभी नहीं आता है, और दूसरा मच्छर होंगे या नहीं होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है मेरी। ये होटल है कबाड़ खाना है, तो तू 500 रुपए किस बात के मांग रहा है? बैठ के। अच्छा 500 रुपए किराया सिर्फ बेड का ले रहा हूँ। अगर आपको A1 क्वालिटी फैसिलिटी वाला कमरा चाहिए तो मेरे पास कम से कम 1000 रुपए वाला कमरा है, जिसमें 24 घंटे पानी टॉयलेट में रहेगा और एक भी मच्छर आपके कमरे में नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है मेरी। एकदम रिलैक्सेशन, पीस, फुल एंजॉय, बोले तो तू। ठीक है भाया 1000 वाला दे दे, पर फैसिलिटी पूरी चाहिए, बाद में कुछ ऊपर नीचे ना हो जावे। यार सेठ जी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको मैं 5-स्टार वाली फैसिलिटी दूंगा, आप तो बस मेरा पैन पकड़ो और साइन करो। Thank you.
सेठ जी, ये रहा 5-star रूम। कैसा लगा आपको? घंटा लगा। अरे काहे का 5-star रूम है भाया? अरे तू तो कह रहा था कि 24 घंटे पानी टॉयलेट में आएगा, तो बाल्टी भर के पानी के हमारे सर पे मारने के लिए लाया है, झूठा कहीं का? ना सेठ जी ना, पिल्लू द ग्रेट कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने आपसे कहा था कि 24 घंटे पानी टॉयलेट में रहेगा, देख लीजिए रह रहा है। गलत बात नहीं सेठ जी। अरे सेठ जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप सिर्फ एंजॉय करो, और किसी काम की जरूरत हो तो सिर्फ आवाज लगाइएगा, पिल्लू द ग्रेट हाजिर हो जाएगा। गुड नाइट सेठ जी। सेठ जी, आपने पंजाबी में कुछ कहा? अरे ऐसी सिचुएशन में पंजाबी चला करे है भाया। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ पंजाबी चला करे है ना। आइए ना सर, आराम करिए सर। ला 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 ला। अबे यार मच्छर कितने हैं यार यहाँ पे साला। अबे साले पिल्लू, तेरी माँ की आँख मच्छरों में सुलवा रखा है, बता दो तेरे को भी। अबे तू यहाँ रासलीला देख रहा है? वहां कमरे में मच्छरों ने तांडव मचा रखा है, साले भूखे कुत्तों की तरह नोच नोच करके खा रहे हैं, क्या ये थी तेरी गारंटी? सॉरी सेठ जी, मैं हाथ जोड़कर सॉरी बोलता हूँ, माय फॉल्ट, माय मिस्टेक, पिल्लू की गलती है। आप टेंशन मत लो सेठ जी, आप ये लो। ये क्या है? गारंटी। गारंटी? हाँ, कमरे में मच्छर ना होने की गारंटी। इसे लगाओ और चैन की नींद सो जाओ, कमरे में जितने भी मच्छर है ना सब टपक जाएंगे, आपकी कसम एक भी नहीं बचेगा। तू इस गारंटी की बात कर रहा था? हाँ। साला फ्रॉड कहीं का। जाओ। अरे तो मुझे कब मिलोगी? अरे चाचा, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? हाय राम, इतना महंगा? अरे अरे, पर बात तो 1,000 की हुई थी ना। और क्या? वाह चाची, 5,000 वाला कमरा आपने पसंद किया था और आप अपनी बात से मुकर रही हो। अरे कमरे तो सारे एक जैसे ही है ना, उसमें ऐसा क्या था जो तू 5,000 मांग रहा है? एसी। एसी? अरे चाचा, उसमें एसी लगा था ना। अरे तेरी चाची के घुटनों में दर्द रहता है, एसी से हमें परहेज है, हमने ना चलाया तेरे एसी वैसी। अरे चाचा, एसी चलाया हो या नहीं चलाया हो, पर एसी था ना, था ना, पैसे तो देने पड़ेंगे। और क्या था? ठंडे गर्म पानी का फव्वारा। अरे हम ना नहाए तेरे फव्वारे से, हम तो घर से ही नहा के आए थे। चाचा नहाए हो या नहीं नहाए हो, पर 24 घंटे पानी था ना, था, पैसे तो देने पड़ेंगे। और क्या था? डिनर। डिनर? हाँ। अरे अपनी रोटियां हम घर से लेके आए थे, हमने ना खाया तेरा डिनर विनर। अरे चाचा, खाया हो या नहीं खाया हो, पर डिनर था, पैसे तो देने पड़ेंगे। अब एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? सीधे तरीके से पैसे दे दो, वरना मुझे दूसरे तरीके से भी पैसे निकालने आते हैं। अब पैसे दे रहे हो या पुलिस को बुलाऊं? यार तू तो बहुत बड़ा चीटर है। चीटर को या फटीचर, पैसे तो देने पड़ेंगे चाचा, है कि नहीं है? पिल्लू द ग्रेट, चल अब तू 10,000 रुपए उल्टा चाचा को दे। 10,000 रुपए चाचा को? सेठ जी दिमाग फिर गया तुम्हारा, मैं क्यों दूं? क्योंकि तूने चाची को छेड़ा है। मैंने चाची को छेड़ा है? अरे कमाल कर रहे हो सेठ जी, मैंने कब छेड़ा चाची को?
तूने छेड़ाऊ या नहीं छेड़ाऊ, चाची तो छेड़ने को तैयार थी, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। चल अब दे 10,000 रुपए। दे रहा है या मैं पुलिस को बुलाऊं? सेठ जी दे रहा हूँ ना मैं, ये चाचा 5,000 और दे, जेल की रोटियां सिखा दूंगा। पिल्लू द ग्रेट, गंदा मत कर, धंधा कर धंधा, समझा कुछ? अब पिल्लू द ग्रेट धंधा करेगा तो ईमानदारी से करेगा। क्या हुआ दीवान? हुकुम, डीजल खत्म हो गया दिखे। डीजल खत्म हो गया इतने जल्दी? हुकुम, डीजल तो भरवाना था लेकिन पुलिस वालों ने गाड़ी यहाँ मुड़वा दी और इस रास्ते पर अभी तक कोई पेट्रोल पंप नहीं आया। फिर अब हुकुम मैं देखता हूँ आसपास।
किसी पेट्रोल पंप से डीजल ले आता हूँ। ये तो महाभारत हो गई। ठीक है दीवान, तू डीजल लेकर आ, तब तक मैं वहां सामने चाय की दुकान पे बैठा हूँ। जी हुकुम। आ जा मेरे छोटे भूत। आओ जी। ये है जगमोहन, जग्गू टी स्टॉल का मालिक। जगमोहन थोड़ा बड़बोला है साहब, लेकिन दिल का हीरा आदमी है। बैठो। ओ भाया, जरा दो कप चाय और एक प्लेट मिक्स पकौड़ा दे दियो। दो कप चाय, चीनी कैसी रहेगी? जब पैसे पूरे दे रहा हूँ तो चीनी भी पूरी राखियो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं। डैडी मतलब बापू, मैं चाउमीन खाऊंगा। के चाउमीन? हाँ चाउमीन। दे दे भाया एक प्लेट चाउमीन भी दे दे। क्या? चाउमीन। चौमिन तो नहीं होगी, ये है मैगी। चौमिन से बढ़िया है जी, ऐसे ही बना के खिलाऊंगा कि आप भी याद रखोगे। दे दे भाया। और दो चाय। चाय जी, मिक्स पकोड़ा और आपकी चौमिन। दो चाय जी। ये घोटू घाट कितनी दूर है भाया? ऐ जी 20-25 किलोमीटर है यहाँ से। और आज तो वहाँ सड़क पर पहाड़ गिर गया है, तो सारा ट्रैफिक यहीं से जा रहा है जी। चलो अच्छा है, हमारे भी मजे हैं कि कुछ धंधा 2-4 रुपए का ज़्यादा ही हो जाएगा। ये पहाड़ क्या आए दिन गिर जाते हैं? हाँ जी, गिरता ही रहता है जी, जब बारिश हो जाती है ना तो गिर जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो ट्रैफिक आता है। और जब जब पहाड़ गिरा मुझे मजा आ गया जी। कहना नहीं चाहिए कि यहाँ ग्राहक इस तरफ से जो जाते हैं ना, तो अच्छा खासा हमारा धंधा हो जाता है। तो आपको चीनी जरा मजेदार डालता हूँ मैं। जी पहाड़ों में गुजर बसर करना आसान नहीं है जी। हाँ क्या करिएगा, पता नहीं कब क्या कर जाएं। हर चीज ही ऐसे होते हैं। हाँ। इसकी ठा पाना जरा मुश्किल है। और हमारे यहाँ पहाड़ों में यही कहा जाता है कि अगर पहाड़ किसी पे मेहरबान हो गए तो रात रात राजा बन जाता है। नहीं तो हमारी तरह बनाते रहिए। 25 साल से तो बना रहा हूँ, अभी और देखते हैं कब तक पहाड़ मेहरबान नहीं होते हमारे ऊपर। भाई साहब एक बात बताओ, ये गाड़ी खराब कैसे हो गई? नहीं तो खराब तो नहीं हुई है, बस उसमें तेल खत्म हो गया है। मशीन है भाया, तेल पानी डाले जाओ और चलाए जाओ, उसको तो उसकी खुराक चाहिए। हाँ ये बात है, मशीन है तो तेल पानी तो चाहिए। मैगी तो खा के देखिए जी, आपको मुंबई दिल्ली कलकत्ता में ऐसी मैगी नहीं मिलेगी। चलो जी तैयार हो गया है। लो जी ये आपके गर्मा गर्म पकौड़े, ये आपकी मैगी। ये लालटेन तो बहुत पुराना लग रहा है। अजी ये हमारे परदादा के जमाने की है जी। एक अंग्रेज था साहब, उसने खुश होकर मेरे परदादा को इनाम दी थी। फिर परदादा से हमारे दादा के पास आई, और दादा के पास से हमारे पिताजी के पास, और पिताजी के पास से ये मेरे पास आई, तब से मेरे ही पास। अच्छा, जलती है क्या लालटेन? अरे साहब इस बिजली के जमाने में जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो बेच दे इसे, 200 रुपए दे दूंगा।
अरे नहीं साहब, हमारे दादा परदादा की निशानी है, पुरानी सही यादें जुड़ी हुई हैं इससे, बेच के क्या करूंगा। हेलो, हाँ अच्छा, कितना ब्याज और कितने साल का लोन है? 5 साल? अरे भाया माफ कर, मना कोई लोन वोन ना चाहिए, गाड़ी लेनी होगी तो मैं नकद में ही ले लूंगा, समझो। लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बस एक बार इनका चक्कर में फंस जाओ तो भाया गई भैंस पानी में। अरे बुरा हाल करते हुए हैं लोन वाले, पहले तो फोन कर करके लोन देवे और अगर इनकी एक किस्त टूट जावे तो भाया यूं पीछे पड़ जावे क्या, जैसे लोन ना लिया हो कोई कत्ल कर दिया हो। हे माता रानी, कर्जे से दूर राखिए। ओ भाया, तन्ने एक पत्ते की बात बताऊं, और उधार का पैसा शुरू शुरू में ही अच्छा लागे, बाद में तो ये च्युइंगम की तरह हो जावे, ना स्वाद आवे ना खत्म होने का नाम ले, बस चबाए जाओ चबाए जाओ चबाए जाओ। बड़े तजुर्बेकार हैं आप तो। जगमोहन भारा भारा रब भारा, क्यों भारा? चाय चाय बना रहा हूँ, ग्राहक बैठे हैं, जरा चाय बना रहा हूँ, चाय उबल रही है, बाद में बना लिया चा, यहाँ पहला। हाँ राम राम भीमा भाई। अरे राम राम तो ठीक से, वो पैसे हैं? पैसे रख के भी होता है पैसे का ना, असल ना सूद हैं? अरे तू गायब कहाँ हो रहा है? नहीं गायब कहीं नहीं, मैं तो यहीं था भाई, वो क्या है कि थोड़ा धंधा मंदा चल रहा है, मैं 3 दिन में दे दूंगा, कसम खाता हूँ 3 दिन में सब सूद समेत चुका दूंगा, सूद समेत चुका दूंगा भाई। ना तू मने बावड़ा मान रहा है कि दो दिन तीन दिन यही काम रह गया मेरा है? ना जी, अब मैं 3 दिन बाद दे दूंगा जी, मैं देवी माँ की कसम। गोली देना बंद कर। गोली ना दे रहा हूँ भाई, भगवान कसम मैं 3 दिन में दे दूंगा। जब आऊँ 2 दिन 3 दिन है? ओए हरामी रुक साले। ये है जगमोहन की बीवी दुर्गा, गुस्सा हमेशा इसकी नाक पर सवार रहता है। अरे कहीं की महारानी है तू, रोज रोज का नाटक है तेरा, चल चुपचाप पीछे हट जा, मैं भी देखती हूँ कि आज तू पानी कैसे भर के लेके जाती है। देख दुर्गा मेरे मुंह मतलब बता रही हूँ, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अबे जा साली, तू क्या मेरा मुंह तोड़ेगी, हटा। एकदम बम का गोला है साहब, अगर फटे तो पूरा ब्रह्मांड हिला दे। सब्जी पूरे वजन से तोलना, देख कुछ गड़बड़ ना करियो। नहीं बहन जी, कभी आपको कमती तोला है, आपको तो हमेशा फालतू तोल कर देते हैं। हाँ हाँ सब पता है मुझे। क्या आ गया भाई, क्या आ गया, चाय वाले की भी क्या किस्मत है, कितनी सुंदर बीवी लेकर बैठा है। ये गोभी कितने की दी? 20 रुपए पाव। आलू? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो, 15 के लिए थे पिछली बार। क्या करे बहन जी, सब्जी पीछे से ही महंगी आ रही है। सब पता है मुझे कितनी महंगी आ रही है। टेंशन क्यों ले रही हो जाने मन, पैसे हम दे देंगे, ले लो जितनी सब्जी लेनी है, बदले में बस थोड़ा सा प्यार दे दियो। तो प्यार यही लेगा कि आगे पीछे छुपके दूं? तेरी मर्जी है, हम तो साले बेशरम है, हमें तो जहाँ दोगी हम तो वहाँ ले लेंगे। अच्छा जहाँ दूंगी वहाँ ले लेगा? हाँ। तो ये ले प्यार, साले और ले प्यार, बड़ा तुझे प्यार चाहिए, जा अपनी माँ को दे प्यार, कल से अगर बाजार में दिख गया ना तो झाड़ू में घुसेर के मोर बना दूंगी। आया बड़ा प्यार मांगने वाला, भाग यहाँ से। यूं समझ लो कि ये जगमोहन का सुरक्षा कवच है। घोड़ी निकाल दूंगा, समझ रही मेरी बात को, इसे समझा ले, मेरे मुंह नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, वो तो बस ऐसे
बावड़ी हो गई भी नहीं लगेगी। बस मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भीमा भाई, इसको माफ कर दो बस। जगमोहन गोली में चलना, इसे समझा ले, इसे समझा ले, नहीं तो काट कर नदी में फेंक दूंगा। पीछे कर लो भीमा भाई, बंदूक पीछे कर लो। पुलिस वाले रपट भी नहीं लिखेंगे। चल मां, नाम है मेरा भीमा राव जगमोहन। नहीं इसे समझा ले, मेरे मुंह नहीं लगेगी। मैं समझा लूंगा, नहीं तो पैसे बाद में, पहले इसे ठा के ले जाऊंगा मैं। बड़बोली है, मैं समझा लूंगा इसे। इसका बड़बोलापन निकाल दूंगा एक मिनट से पहले। राव पैसे बाद में, अगर तीन दिन में पैसे नहीं आए तो पहला या लुगाई मारी हवेली पे चाहिए मुझे। समझ गया बात? तीन दिन का मतलब? तीन दिन? हाँ। ये दुकान बेच के दे दूंगा, कैसे भी तीन दिन में सू समेत दे दूंगा। तू बीच में मत, हाथ जोड़ता हूँ। इतना ही टाइम है तेरे पास? मैं नहीं, मैं 70 घंटे में दे दूंगा। हाँ। हाँ, तीन दिन में दे दूंगा, अपनी दुकान बेच के दे दूंगा, लेकिन तीन दिन में दे ही दूंगा। रे तीन टप्पर ठागा फेंक दूंगा, कैसे भी करूंगा, तीन दिन में पूरे पैसे दे दूंगा। बावड़ी हो गई क्या है? क्या जरूरत थी गुंडों के मुंह लगने की? उनका कोई भरोसा था? मार देते गोली तुझे या मुझे, बच्चों का क्या होता? अरे हाँ हाँ, तुम्हारे साथ तो बावली हो गई हूँ मैं, अब मिला क्या है मुझे शादी करके? क्या मिला? जब से शादी हुई है, अच्छा जी, तो जिंदगी हराम हो गई है। रोज रोज कोई ना कोई तमाशा अच्छा लगा रहता है। जिंदगी हराम हो गई है तेरी? वाह वाह, जिंदगी हराम हो गई है। तू बड़ा दूध में जली में डाल डाल के खिला रही है मुझे। एक तो समझा रहा हूँ गुंडों के पीछे मत कर। जब से शादी हुई है एक दिन सुक्का नहीं देखा। अरे पागल हो गई हूँ मैं, घर में राशन तक नहीं है। तू भी क्या गुंडों के पीछे लगी हुई है, हैं? कोई भरोसा है उनका? कल को गोली चला दिया, तू मर जाएगी या मैं मर जाऊंगा, बच्चों का क्या होगा? मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, चुप रहे। अरे तीन दिन में पैसे देने हैं, कहाँ से लाओगे इतना पैसा? भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बात की है किसी से। वाह, एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा। अरे ऐसे तो शहर चलो, दो पैसे साथ में कमा लेंगे, हम मेहनत कर लेंगे, लेकिन नहीं। तुम्हारे कान में तो जूं तक नहीं रहेंगी। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, शांत रह, सब ठीक हो जाएगा। हेलो हरिलाल भाया। हाँ भाया, सौदा मंजूर है, कल मैं गोदाम पर आऊंगा और 2 लाख रुपए नगद दे जाऊंगा और अपना माल भी ले जाऊंगा। ठीक है भाया, सौदा डन। चीज मारी हो गई भाया, अब किसी और को मत बेचना। श्री भाई, हरिलाल जवान का पक्का आदमी है, बेफिक्र हो जा, कल आकर अपना सामान ले जाइयो। पर भाया, कल अगर ये सौदा ना उठा तो मैं भाव बढ़ा दूंगा। ठीक है, जय माता की। बोला था ना सौदा उठा पड़ा है। मिर्ची, अरे भाया जरा थोड़ा पानी दियो, बच्चे को मिर्ची लग रही है। लाया जी। बेटा दूध दही खाया कर, शरीर को लगेगा और थोड़ा दिमाग भी तेज होगा। ये चाउमीन शाउमीन से कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार की चीजें हैं। इतनी मिर्ची तो नहीं डाली थी मैंने। ये बालक है, कुछ खाते पीते है नहीं। और कुछ नहीं? अभी कुछ नहीं, पर भाया तेरी चाय तो बड़ी चौकस थी, मजा आ गया। धन्यवाद जी। इस जग्गू टी स्टॉल का आलू गोभी खाओगे तो देखना, कभी जिंदगी में जग्गू टी स्टॉल नहीं भूलोगे। अच्छा ठीक है भाया, अगर लंच टाइम तक मेरा ड्राइवर नहीं आया तो तेरे आलू गोभी भी चख लेंगे। अरे ड्राइवर कहाँ गया है? बस यही पेट्रोल पंप तक गया, जरा डीजल लेने। अजी पंप से यहाँ तक आने में 2 घंटे लगेंगे जी,
तब तक ऐसा करते हैं, लंच बनाते हैं जी, लंच करो, मजे करो। प्रभु इच्छा बलवान है भाया, पर तब तक तो कप चाय और पिला दे। चाय? हाँ जी, लो जी अभी चाय। चीनी? जैसी पीछे राखी थी वैसी राखी हो। बड़े चीनीदार आदमी हो भाई। भाई साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। पूछ भाया। भाई साहब, ये मेरी समझ में नहीं आया कि आप दो दो कप चाय मंगा के पीते हैं और दोनों कप सामने रख लेते हैं, कभी इस कप से कभी उस कप से, ये राज क्या है इसमें? तन ने तो दिल का तार छेड़ दिया भाया, ये बात तो काफी खास है हमारे दिल की। चाय की बहुत शौकीन है मेरी बीवी चांदनी, अक्सर रोज हम दोनों चाय एक साथ ही पीते हैं, और जब कभी वो मेरे साथ नहीं होती तब भी मैं चाय दो कप ही पीता हूँ, एक कप मेरा और एक मेरी चांदनी का। भाया, मेरा मानना यह है कि जिंदगी में कुछ भी हो या ना हो, पर प्यार का एहसास हमेशा जिंदा रहना चाहिए। वाह भाई साहब, आपकी बात ने तो मेरा दिल छू लिया। अब मैं आपको ऐसी कड़क और बढ़िया मीठी चाय पिलाता हूँ कि आपको मजा आ जाएगा, और ये चाय मेरी तरफ से एकदम फ्री मोफ। अरे नहीं भाया, ये काम मत करियो। प्यार सम्मान अपनी जगह पर और धंधा अपनी जगह पर। धंधे में डिस्काउंट तो हो सके, पर ये फ्री वाला काम ना करिए भाया, काम डूब जावेगा। अरे वाह भाई, धंधा तो कोई आपसे सीखे। बड़े तजुर्बेकार हैं भाई साहब आप तो। हेलो। हाँ भाया, सब ठीक है ना? अरे चीज एक नंबर की है, अपनी तसल्ली करके ही आपको दिखाई है। समझ ले कि पहाड़ खोदकर हीरा ढूंढा है। लड़की संग खेल लूं? हाँ जा खेल ले, ठीक है ना भाया? मैं भी खेल लूं तेरे संग। तेरा नाम क्या है? निकुंज। और तेरा? कुंजा। तेरे को स्टापू खेलना आता है? हाँ आता है, मैं सबको हरा देता हूँ। तू मुझे हराएगा? शक्ल देखी है अपनी? गिरगिट तूने देखी अपनी? चुहिया कहीं की?
अच्छा मैं चिड़िया हूँ, जाए यहाँ से, मैं तुझे नहीं खिलाऊंगी। अगर उल्टा सुन नहीं सकती तो बोला भी मत कर, शुरुआत तो तूने ही करी थी। मैं जो मर्जी बोलूँ मेरा स्टापू है, मैं जो बोलूँ वही होगा। ये क्या बात हुई? हाँ यही बात है, खेलना तो खेलना, तो जाए यहाँ से। ठीक है चल, पहल मेरी, दूसरी तेरी और मैं दो बारी लूंगी। ये कैसा खेल खेलती है तू? रहने दे, तू तेरी बस की बात नहीं है खेलना, तू जा यहाँ से, तू डरपोक है। मैं कोई डरपोक और पोक नहीं हूँ। अच्छा डरपोक नहीं है तो खेल चुपचाप, अभी पता चल जाएगा। ठीक है। लो जी भाई साहब, बन गई आपकी चाय, चाय पियो और मजे लो। अरे सुनो। हाँ। आज बिजली का बिल भर के आना है, याद है ना? दस तेरे की भूल गया मैं। बस तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती, तुम्हें हर चीज मैं ही याद दिलाऊं। सुनो वो बनिए के यहाँ से कपड़े धोने के साबुन और वो बच्चों की बालों में लगाने वाली रंग बिरंगी चिमटियां होती है ना, लेकर हाँ। आना, भूल मत जाना। और तुम्हारे लिए क्या लाऊं? अरे रहने दो, तुम तो यही सब संभाल लो, वो ही बहुत बड़ी बात है, मेरी जिंदगी सवर जाएगी। अच्छा तू कहाँ जा रही है? कपड़े सुखाने। अरे कपड़े मैं सुखा दूंगा, तू चली जा बाजार, जो कुछ लाना ले अपने लिए लिया और बच्चों के लिए लिया, जा। हाँ बस दिन भर जब देखो मस्करी, घर संभालो, ये संभालो, वो संभालो, तुम तो दुकान संभाल लो बस अपनी। हेलो जी, दुकान संभालना कोई काम ही नहीं है क्या? हैं देखो भाई साहब, एक आपकी चांदनी है, एक मेरी चांदनी है, दिन भर फुफकारती रहती है। हाँ जी, लेकिन भाई साहब दिल की बड़ी अच्छी है, बाहर से फुफकारती है, अंदर से बर्फ है बर्फ। पूरे मोहल्ले में इसकी जो इज्जत है किसी की नहीं है, सच कह रहा हूँ मैं। मुझे तो कोई सलाम तक नहीं करता, इसके तो पैर छू छू के जाते हैं बच्चे जितने भी, ऐसा लगता है जैसे उसके लिए मास्टर नहीं है। हाँ और भाई जगमोहन, क्या हाल है तेरे? जी मेहरबानी है जी आपके। चल फटाफट 12 अंडे बांध दे। 12 जी, ये 8 ही अंडे हैं जी। त्यागे सुना बे, साले की दुकान बहुत चल रही है आजकल, इसकी तो फटेक लगता है बढ़ानी पड़ेगी। कोई बात नहीं सर, छोड़ दो इसे, बाद में देख लेंगे। ठीक है भाई, दे दे 8 से काम चला लेंगे। 8 ही बांध दूं? अबे जल्दी कर, गर्मी में खड़े मारेगा क्या धूप से? ना जी, धूप से कोई नहीं मरता, भूख से जरूर मर जाते हैं। 8 अंडे, इनका पाप देख जाए यहाँ बैठ के, गरीब होना भी पाप है साला। और भैया बाकी सब ठीक चल रहा है? हाँ जी सब ठीक चल रहा है, मेहरबानी आपकी। बहुत कंप्लेंट आ रही है तेरे नाम की। नहीं साहब, मैं तो अपनी भी बच्चों के साथ शांति से रहूं, काई की कंप्लेंट? सुना है आजकल दुकान में नशा वशा रखने लगा है। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हो, बीड़ी का बंडल भी नहीं हमारी दुकान में, तो देख लीजिए आप। चलो देख ले, लंबा जाएगा। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं, अपनी दुकान चलाता हूँ बस, घर में बाहर नहीं निकलता, कभी कभी चला जाता हूँ सामान लाने के लिए, उसके बाद तो दुकान पर ही रहता हूँ और कुछ नहीं करता। ठीक है
चल बेटे आगे निकल। साले आज फिर पैसे देके नहीं गए, ये अपने बाप की दुकान समझते हैं। देखा साहब, खाकी वर्दी करो, हम जैसे गरीबों को भी नहीं बख्शते। इनकी इज्जत करो तो मरे, ना करो तो मरे। सुनो, क्या पैसे देके गए हैं ये कमीने? अरे वो पुलिस वाला, उससे पैसे। तुमने पैसे मांगे थे? अरे कैसे 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 मांगता? पैसे मांगे थे कि नहीं? अरे वो पुलिस वाला कैसे? मैंने पूछा मांगे थे कि नहीं? अरे नहीं मांगे। यही तो बात है, घर में खाने को नहीं है और तुमने लंगर खोल रखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे हम एक दिन, देख लेना। हेलो, देखिए भाई साहब, अरे मैं गलत कह रहा हूँ? पुलिस वालों से पैसे लेके कौन मुसीबत मोल ले? अरे अभी तो 8 अंडे ले गए भाई साहब। एक बार तो उनके घर का गैस खत्म हो गया तो पूरा सिलेंडर उठा के ले गए थे। जब सिलेंडर खत्म हो गया तब वापस किया उन्होंने। हम तो भूखे मर गए थे, बगैर सिलेंडर के मेरा धंधा बंद हो गया था। बुरा ना माने तो एक बात बोलू जगमोहन? जी बोलो जी। बात तो तेरी बीवी ठीक ही कह रही है, अगर आदमी की गुंजाइश ना हो तो ये सब समाज सेवा नहीं करनी चाहिए। एक बार हिम्मत करके सामने वाले को मना कर देना चाहिए। क्या कर लेगा, कोई फांसी थोड़ी चढ़ा देगा। तेरा भी मेहनत का पैसा है भाया, कोई हराम का थोड़ी है। अरे भाई साहब, ये करके मुझे खुशी थोड़ी मिलती है, ये तो मजबूरी में कर रहा हूँ। और इन पुलिस वालों से बिगाड़ेंगे तो ये पूरा धंधा मेरा बंद करवा देंगे। क्या करें भाई साहब, समझ में नहीं आता मैं। अरे आपसे क्या बताएं, मेरी 3 बेटियाँ थीं। 3 बेटियों में एक बड़ी वाली की जब मैंने शादी की तो 1.5 लाख का मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया। बाप के ऊपर ये कर्जा चढ़ा तो बस वही उतारते उतारते ये 20,000 इसका बचा है, वो भीमा का। हाँ, कभी भी आके धमका के चला जाता है फ्री में। यहाँ तो जीना मुश्किल है। बीवी मेरी गलत नहीं कह रही भाई साहब, सही कह रही है, पहाड़ों में तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। देख जगमोहन, सही वक्त पर सही कदम उठाने से जिंदगी की परेशानियां काफी हद तक कम की जा सकती हैं। तू मन ना बढ़िया आदमी लग रहा है, एकदम खरा सोना, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन और सोच समझ कर जवाब दियो, ठीक है? मैं तन्ने इस लालटेन के पूरे 25,000 रुपए दूंगा, तू ये लालटेन मन ने बेच दे। 25,000 इस लालटेन के? हाँ हाँ, 25,000 रुपए इस लालटेन के नकद, एक ही बार में तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोच ले, तेरी मर्जी है, किस्मत बार बार साथ नहीं देती है। 25,000 रुपए बड़ी रकम हुआ करे भाया, लक्ष्मी माता तेरा दरवाजा खटखटा रही है। एकदम बढ़िया दाम दे रहा हूँ इसके। भाई साहब आप ठीक कह रहे हो, इतने पैसों में तो हमारी परेशानी एक ही बार में दूर हो जाएगी। लेकिन माफ करना भाई साहब, ये लालटेन हम नहीं बेच सकते। फिर सोच ले भाया एक दफा अच्छे से। अरे नहीं भाई साहब, माफ करो, मैं नहीं बेच पाऊंगा। अरे क्या करूं मैं इस आदमी का, इस आदमी का तो कुछ नहीं हो सकता। अरे गुंजा के पापा, गुंजा के पापा। हाँ। जरा एक मिनट अंदर तो आओ। हाँ? अरे एक मिनट आओ। एक मिनट भाई साहब, क्या है? अरे इधर तो आओ। क्या है? अरे आओ तो। क्या है? क्या बात कर रहे थे उससे? अरे कुछ नहीं है, सही, वो अपने वहाँ घर परिवार की बात कर रहा था। हाँ सब सुन लिया है मैंने। अगर तुम्हारी खटारा लालटेन को 25,000 रुपए देके वो खरीद रहा है तो बेच क्यों नहीं देते? क्यों पीछे पड़े हुए हो उस चीज के? अरे तू उसे खटारा कह रही है, हैं? मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे भी खटारा कहेगी क्या? क्यों बेच दूं मैं? खटारा नहीं है लालटेन, लालटेन पता नहीं क्या है मेरे लिए, भेज दो। अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं पड़ती है कि 25,000 में हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी, बच्चों की स्कूल की फीस चली जाएगी, हम लोग अच्छे से रह लेंगे। अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है ये बात? अरे सब समझ में आ रहा है, एक बात बता, तू मुझे बेच सकती है? हैं? जब तू मुझे नहीं बेच सकती तो मैं लालटेन कैसे बेच दूं? मुझे लालटेन उतनी प्यारी जितना तुझे मैं। बस ये जिद पकड़ के बैठ जाओ, जिद है ना समय पे ही अच्छी लगती है, बाद में पछताना पड़ता है। अरे मैं लालटेन बेच के पछताऊंगा? मैं ऐसे नहीं पछताता, समझती नहीं बात को? यही
यही काम है तुम्हारा, जिद पकड़ के बैठ जाओ, लालटेन लालटेन लालटेन, अरे बेच बुझा के हटाओ उसको, हमारी गरीबी मिटेगी। लेकिन नहीं, तुम्हें इतनी सी बात समझ ही नहीं पड़ती। अरे दुर्गा मैं, अंकल ये मुझे मार के आया है। बापू नहीं नहीं अंकल ये मुझे मार के, अरे इधर आ बताता हूँ तुझे मैं। बापू ये मुझे मार रही है। नहीं अंकल ये मेरे को मार के आया, इसने यहाँ पर मारा है। बापू झूठ कह रही है, मैंने इसको छुआ तक नहीं। ठीक है बच्चों, लड़ाई झगड़ा मत करो, प्यार से खेलो, ठीक है ना बेटा? चोट लग जाती है लड़ाई झगड़ा करने। बापू ये रमंची कर रही थी। नहीं अंकल ये रमंची कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो दो दो बारी लेती और कहती है मैं रमंची कर रहा था। बेटी गुंचा चल अंदर, माँ बुला रही। बेटा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं अंकल। अरे ये छोटी बेटी है साहब, बड़ी शैतान है, लेकिन पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार है। और इससे बड़ी है रत्ना, वो तो इससे ज़्यादा पढ़ाकू है। वो गई हुई है स्कूल, आएगी 4:30 बजे तक। वो तो कहती है साहब कि मैं पढ़ लिख कर जज बनूंगी, बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। मेरी तो छाती चौड़ी हो जाती है साहब जब वो कहती है जज बनूंगी। और इससे बड़ी वाली उसकी शादी कर दी है, वहाँ खुश अपनी ससुराल में, बच्चे खुश मैं खुश। बेटियाँ भगवान की देन होती है साहब। अरे जब से तीनों में से छोटी वाली आई है तब से तो मेरी दुकान थोड़ा चलने लगी है ठीक ठाक। बड़ी वाली की शादी का कर्जा तो चुक ही जाएगा। जिस घर में बेटियां होती हैं भाई साहब, वो घर स्वर्ग होता है। क्यों गलत कह रहा हूँ? 100% की बात कही भाया, बेटियों से ही तो घर की रौनक है। जी भाई साहब। रत्ना बेटी ये बैग अपनी मम्मी को दे दियो। अरे साहब यही है मेरी बेटी रत्ना, यही कहती है कि पापा मैं बड़े होकर पढ़ लिख कर मैं जज बनूंगी। अब अगर ये जज बन गई तो मैं तो समझ लो बेड़ा पार है। बेटा क्या हुआ, जल्दी छुट्टी हो गई? बेटा क्या हुआ? ओ बेटा स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई? अरे तो खुश हो, कपड़े बदल खेल चल। ए बेटा, बेटा क्या हुआ? ओ बेटा, बेटा अरे बेटा जल्दी छुट्टी हो गई स्कूल से? क्या हुआ, मास्टर जी नहीं आए? अरे रत्ना बेटा, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ? क्या हो गया? क्यों रो रही है? पहले हमारी गरीबी सिर्फ हमें रुलाती थी, अब हमारे बच्चों को भी रुला रही है। स्कूल से निकाल दिया गया है हमारी रत्ना को। स्कूल से निकाल दिया? क्यों? क्यों पूछ रहे हो? क्यों, कुछ होश है तुम्हें? अरे 6 महीने से इसके स्कूल की फीस नहीं भरी है। निकालेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो। अरे बोलते क्यों नहीं हो आप? लोग अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और हमसे इनकी फीस तक नहीं भरी जा रही। इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है हमारे साथ? अब बुत बन के क्यों खड़े हो? जवाब दो, क्या ऐसे बच्चों की परवरिश करोगे? मैंने आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन बात अगर मेरे बच्चों पे आई ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे मैं भी दिन रात लगा रहता हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, और बता क्या करूँ? अरे ऐसी कोशिश करने का क्या फायदा कि हाथ में कुछ ना लगे? पैसे नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा? अरे माँ बाप का फर्ज सिर्फ बच्चों को पैदा करना नहीं होता, उनकी परवरिश करना, उनके सारे सपने पूरे करना, अरे ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, ठीक कह रही है। माँ बाप का फर्ज सिर्फ जन्म देना ही नहीं, उनको पालना, उनको संस्कार देना भी है, जो मैं नहीं कर पाया। मैं मेरे बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं देख सकती। ठीक
ठीक कह रही है तू। एक एक पैसे के लिए तरस रहे हम, ऐसा कब तक चलेगा? टूट गई हूँ आज मैं। क्या ये दिन दिखाने के लिए मुझसे शादी करी थी? घुट घुट के मर रही हूँ मैं। इतना भी बस मैंने अपने आप को आज से पहले कभी नहीं समझा। अरे मैं थक गया हूँ, क्या करूँ? क्या फायदा ऐसे जीने का कि अपने बच्चों को खुश नहीं रख सकता? मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं मर जाऊंगा। छोड़ दे मुझे, मैं नहीं जीना चाहता। मैं नहीं जीना चाहता। समझदार बन, जरा सोच तेरे बाद तेरे बच्चों का क्या हाल होगा, तेरी पत्नी का क्या हाल होगा, जरा सोच। भाई साहब मैं तंग आ गया हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तुझे पता है तेरे बच्चे क्या कहेंगे बड़े होके, कि हमारा बाप डरपोक था, कायर था, लड़ नहीं पाया, दुखों से डर के मारे उसने आत्महत्या कर ली, मर गया। क्या करने लग रहा है तुझे? पता है एक औरत का स्वाभिमान होता है उसका पति। अरे जो बाप अपने बच्चों के लिए 2 रुपए खर्च करने की हैसियत नहीं रख सकता, उसकी जिंदगी किस काम की? भाई साहब बड़ी बेटी की शादी की मैंने, 1.5 लाख का कर्जा मेरे ऊपर चढ़ गया, उसी को उतारने में लगा हुआ हूँ। अभी 2 मेरी बेटियां और हैं, उनकी उनकी परवाह है, उनकी फिक्र मुझे खा जाती है, और ये इन बेचारी का जीना मैंने नरक कर रखा है, मैं क्या करूं? अरे जगमोहन हौसला रख। भाई साहब मेरे पास मरने के सिवा बचा ही क्या है? अरे वाह जगमोहन वाह, कितनी आसानी से तैने मरने की बात कह दी। अरे होश में आ मर्द बन, ये सुख दुख तो इस जीवन का हिस्सा है। अरे जब भगवान श्री राम खुद इस धरती पर से दुख भोग करके गए तो तू और मैं तो चीजी क्या है, जानता जीवन कितना अनमोल है। अरे 1,000,000,000 रुपया देकर भी एक सांस नहीं खरीद सकता कोई, एक अनमोल वरदान है भगवान का मानव जीवन, और तू उसे खत्म करने चला है। अरे भाई साहब सलाह देना आसान है, मुझ पे क्या गुजरी है मैं ही जानता हूँ। एक गरीब का दुख दर्द क्या है आप नहीं समझेंगे? क्या मैं नहीं समझूंगा गरीब का दुख दर्द? अरे जगमोहन मेरा बाप एक दिहाड़ी मजदूर था, हमें सुबह नहीं पता होता था कि शाम को हमें खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी जिंदगी लैंप पोस्ट के नीचे बैठ कर पढ़ाई करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, और तू मुझे कह रहा है मुझे गरीबी नहीं पता? अरे अपनी मेहनत और मजदूरी से और अपनी ईमानदारी से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। अगर मैं तेरी तरह हौसला हार जाता या मेरा बाप तेरी तरह हौसला हार जाता तो मैं कहाँ होता? और हाँ तूने ये बात बहुत सही कही कि उपदेश देना बहुत आसान है, तो चल अब सलाह नहीं देता, अब कुछ काम की बात करता हूँ। इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनियो जगमोहन, तेरी बड़ी बेटी की शादी में तन्ने 1.5 लाख का उधार लिया था ना, और अभी तेरी 2 छोटी बेटियां और हैं, है ना? ठीक कह रहा हूँ ना भाया? अपनी दोनों बेटियों की शादी तो धूमधाम से करियो, उसके लिए मैं तुझे पूरे 3 लाख रुपए देता हूँ नकद अभी, बोल। हाँ, 3 लाख? हाँ 3 लाख रुपए, इतने में तो तेरी दोनों बेटियों की शादी खूब धूमधाम से हो जाएगी ना, क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना जगमोहन? अरे क्यों मजाक कर रहे हैं भाई साहब, इतने की तो मेरी झुग्गी भी नहीं है, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है भाई साहब। है तेरी लालटेन। क्या? तेरी लालटेन? हाँ तेरी लालटेन, पूरे 3 लाख रुपए दूंगा तुझे तेरी उस लालटेन के, इतने में तो तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, बोल बेचेगा? 3 लाख? हाँ बेच दो। बेच दो ना। के बात भाया, सौदा अच्छा ना लगा के? चल तेरे लिए थोड़ा और आसान कर देता हूँ, तो फिर सुन,
अब मैं तन्ने इस लालटेन के पूरे 5 लाख रुपए देता हूँ नकद, वो भी अभी इसी समय। बोल, सौदा मंजूर है? बेचेगा? भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है। अरे ये लालटेन किसी काम की नहीं है, बहुत पुरानी है। इसके तो कबाड़ी 100 रुपए भी नहीं देगा। इसमें कोई हीरे जवाहरात नहीं छोड़े। गलत मोल भाव में नहीं करूंगा भाई साहब। इतने पैसे लौटाने की हिम्मत नहीं है। मैं कहां से लौटाऊंगा आपको पैसे? मैं माफी चाहता हूं, मैं नहीं बेच पाऊंगा ये लालटेन। भैया देख, लालटेन थारी है तो बेचना या ना बेचना ये थारी मर्जी। तुम अन्य बढ़िया और शरीफ आदमी लगे है, इसलिए बढ़िया मोल दे रहा हूँ थारी चीज का। भाया एक बार फिर सोच ले, तेरी आगे की जिंदगी बड़े आराम से कट जाएगी। सोच ले इस बात को। चल ठीक है, तेरे लिए सौदा थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। कीमत को थोड़ी सी और बढ़ाता हूँ। अब मैं तुझे इस लालटेन के 6 लाख रुपए देता हूँ। 6 लाख? 7 लाख? देता हूँ नकद, वो भी अभी इसी समय। बोल सौदा मंजूर या मैं जाऊं? बेचेगा? बोल बेचेगा? जगमोहन है सौदा मंजूर? बोल बेचेगा? भाई साहब, सौदा मंजूर है। मंजूर है? हाँ मंजूर है, लालटेन आपकी। भाई साहब, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं भाई साहब। अरे जगमोहन, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली इंसान हूँ। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, उस परमपिता परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। ना यहाँ मेरी गाड़ी बंद होती, ना मैं तेरी दुकान पे आता और ना ये सब कुछ होता। इसलिए अगर भैया तेरे को शुक्रिया अदा करना है ना, और अगर हाथ जोड़ने हैं, तो अपने उस भगवान के आगे हाथ जोड़। प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप तो नहीं आए, लेकिन आपने अपना फरिश्ता भेज दिया। मैंने तो सुना था कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बड़ी मेहरबानी है प्रभु आपकी। दुर्गा देखा, हमारा प्रभु कितना दयालु है, बैठे बैठे हमारे भाग जगा दिए। भाई साहब, असल में तो दिवाली आज हमारे घर में है, आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? अपनी लालटेन देकर ओ दीवान, जा गाड़ी से मेरा ब्रीफकेस लेकर आ।
बापू। हाँ बेटा। ये क्या कर दिया आज आपने? मैं तो आपको बहुत समझदार समझता था। धंधे में आपका कोई सानी नहीं है। अगर मदद ही करनी थी तो धर्म खाते से 10-20 हजार दे देते। ये 100 रुपए की लालटेन के 10 लाख रुपए देने की क्या जरूरत थी? ये तो घना नुकसान हो गया बापू आज। नुकसान? बेटा हरिलाल भूत कभी घाटे का सौदा नहीं करता। आज तो मैंने पैसा भी कमाया और दुआएं भी। मैं कुछ समझा नहीं बापू। हाँ ये बात ठीक है कि मैंने 100 रुपए की कबाड़ की लालटेन 10 लाख में खरीदी ताकि जगमोहन अपने परिवार के साथ नई जिंदगी फिर से शुरू कर सके। अगर मैं जोर लगाता तो ये लालटेन 15-20 हजार में कहीं भी खरीद सकता था। अगर जगमोहन नहीं बेचता तो उसकी बीवी बेचती, लेकिन लालटेन का बिकना तो आज तय था। मगर जगमोहन की जरूरत 20 हजार रुपए से कहीं ज्यादा थी और मेरा मुनाफा जरूरत से कई गुना बड़ा था, इसीलिए मैंने इस लालटेन को 20 हजार की जगह 10 लाख रुपए में खरीदा। मतलब? मतलब ये बेटा कि ये लालटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने का है, लगभग 250 साल से भी ज्यादा पुराना। ये एक एंटीक पीस है और जब मैंने इस लालटेन की फोटो को लंदन म्यूजियम में मेल करा तो उन्होंने इस लालटेन की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई। अरे चीज एक नंबर की है, अपनी तसल्ली करके ये चीज आपको दिखाई है। बापू। हाँ। इस लड़की संग खेल लूं? हाँ जा खेल ले। हाँ ठीक है ना भाया। और इस लालटेन की कीमत का 10% यानी 20 लाख रुपए एडवांस मेरे अकाउंट में आ भी गया। और जो लालटेन जगमोहन के लिए कबाड़ थी, मैंने उसकी इंटरनेशनल वैल्यू लगाकर इसे अनमोल बना दिया। अब इतने बड़े मुनाफे से मैं भी खुश और 10 लाख रुपए से जगमोहन भी खुश, दोनों खुश, दोनों का भला हो गया। कुछ बात है तेरे बापू में, वरना यूं ही लोग हरिलाल भूत का लोहा नहीं मानते। वाह बापू वाह, आपने तो कमाल कर दी, आप तो चैंपियन हो चैंपियन। हो दीवान, चल गाड़ी वापस मोड़, होटल की साइड फिर कभी देखेंगे, क्योंकि कल हम इस लालटेन को म्यूजियम पहुंचाने के लिए लंदन जा रहे हैं। चल तेरी माँ को फोन लगाते हैं। हेलो, हो मेरी भुतड़ी, अरे कपड़े लगते पैक कर ले, कल घुमाने के लिए तन्ना लंदन लेके जा रहा हूँ। गाड़ी मुड़वा कर सेठ हरिलाल भूत अगले दिन अपने बेटे निकुंज और पत्नी चांदनी के साथ हवाई जहाज के बिजनेस क्लास की टिकट लेकर लंदन चला गया। उस दिन मैंने अपने मालिक से एक बात सीखी कि धंधे में अपने मुनाफे के साथ साथ सामने वाले के मुनाफे को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तभी वो मुनाफा आपका असल मुनाफा माना जाता है। सिर्फ पैसे की दुनिया है भाई। ओ तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास अगर भाई पैसा है, तेरे पास अगर भाई पैसा है, तेरे पास अगर भाई पैसा है, तेरे पास अगर भाई पैसा है। किसी के पास ये थोड़ा, किसी के पास ये ओवर, बंदे की नहीं यहाँ सब पैसे की पावर। जब ढेरों नोट कमाएगा तू नजर में सबकी आएगा, तू जिससे मिलना चाहता है वो तुझसे मिलने आएगा। तेरी वायरल होगी रील, तू भी करेगा फेमस फील, सब कहेंगे ना बंदा
पैसा वैसा है तेरे पास अगर भाई, पैसा 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 है पैसा है इतना के भर दूं जकूजी में। हाँ जी हाँ पैसा अब इतना जरूरी है, पीछे है शहर अब पैसा ही फ्रेंड, बदलता हर 24 घंटे में प्लान, जेब मेरी लोडेड है प्रॉफिट पे प्रॉफिट, अब सारी रात पैसे को करूं मैं स्पेंड, ने नोटों की बारिश में दिख रहा नहीं कुछ, बंदा मैं सेम बस बदल गए लुक्स, यूं तो मैं सॉफ्ट हूं नेचर से हार्ड, रहते साथ मेरे आठों बॉडी गार्ड, सब हो गए हैं पागल ये जान के मैंने खरीद ली चक्कू की लालटेन, शहर में शोर तू बैठा देख मेरे पास चक्कू की लालटेन, हाँ जी हाँ चक्कू की लालटेन, मेरे पे चक्कू की लालटेन, अगर